तीसरे चैप्टर पहुंच गए कक्षा 9 के लिए। पहला और दूसरा चैप्टर आप लोगों का हो गया होगा, मैंने बताया था क्या क्या लिखना है तो आपने लिख लिया होगा। आज हम लोग चर्चा करते हैं तीसरे चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बहुत छोटा सा चैप्टर है तो बेसिक डिटेल्स है केवल, इसमें थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं और जल्दी से लेसन खत्म कर लेते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सबसे पहले तो हार्डवेयर क्या होता है। यंत्र है, भौतिक चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, जो कंप्यूटर को निर्देश देने के काम करते हैं, कंप्यूटर के लिए एक तरह से समझिए इंटरफेस का काम करते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इन शॉर्ट अगर हमने तो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी सीपीयू, सबके सब हार्डवेयर होते हैं। सबके सब हार्डवेयर होने का मतलब है कि उन्हें हम छू सकते हैं और उनका यूज कंप्यूटर में कर सकते हैं। बारी आती है सॉफ्टवेयर की, उसका शब्द दिया गया सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के विन इंस्ट्रक्शन, विन निर्देश जो हार्डवेयर के साथ चलने में सहायक है लेकिन हमें देख नहीं सकते, उन्हें ना हम छू सकते हैं ना उन्हें हम देख सकते हैं, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो किसी विशेष निश्चित कार्य के लिए बने होते हैं। और वो कार्य जो होता है वो कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिया तो भी एक सॉफ्टवेयर है और वो क्या करता है, अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सामंजस्यता काम करता है। ठीक है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में सामंजस्यता काम करता है। तो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि एक तरह से इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, निर्देशों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामों का समूह होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और वह सॉफ्टवेयर जो होता है वह दो प्रकार का देखा जाएगा, दो प्रकार का देखा जाएगा। अगर कहें तो हम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो अगर पढ़ा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली तीन प्रकार से तो बहुत उस तरह से बाइसेक्ट करने के लिए दो प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए सहायक होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो सिस्टम को चलाने में सहायक हो या सिस्टम जिसके थ्रू चले वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें आपके आ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर्स और भी चीजें इसमें आ सकती है, लेकिन मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप विंडोज के नाम से भी जानते हैं, विंडोज चला रहे हैं, एंड्रॉइड चला रहे हैं, लिनक्स चला रहे हैं। ठीक, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने में सहायक होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। ट्रांसलेटर लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए, कंप्यूटर की भाषा अपनी भाषा, अपनी भाषा कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, इसके अलावा अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के मिलेंगे, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल, स्पेशल पर्पस। समझ लीजिए जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस में अंतर क्या है। जनरल पर्पस ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी कार्य को, सामान्य कार्य को करने के लिए बने होते हैं, सामान्य कार्य उसमें किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, सारे के सारे जनरल पर्पस। जैसे एमएस ऑफिस है, हर तरह के काम उसमें किए जा सकते हैं। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो केवल विशेष काम के लिए बने हुए। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपने देखा होगा टीवी में आता है या किचनों में देखने को मिलता है, वो स्ट्रीट सड़कों पर सिग्नल जहां होते हैं वहां पर लगा रहता है आपका कैमरा। ठीक है, अब वो कार की स्पीड डिटेक्ट करने के लिए बना होता है तो वो केवल उसी काम के लिए है। कोई कार दे रही है उसका नंबर प्लेट, ड्राइवर की फोटो और कार की स्पीड, तीनों चीजें डिटेक्ट करता रहता है और उसी के साथ वो काम करता है। केवल वही काम कर सकता है, उस सॉफ्टवेयर से कोई दूसरा काम नहीं कराया जा सकता। ट्रैफिक लाइट देखा होगा, उसमें बात चलती है, बुझती है, जलती है, बुझती है, केवल उसी के लिए बना है उसका सॉफ्टवेयर, तो केवल ट्रैफिक लाइट को हैंडल कर सकता है और कोई काम उसको नहीं किया जाता, वो स्पेशल पर्पस के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जनरल पर्पस सब कुछ यूज किया जा सके,
वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद एक जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स कहलाते हैं उनके बारे में आपकी किताब में दिया है, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ट्रांसलेटर्स पर चर्चा कर लेंगे। यह तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका असेंबलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है आपका कंपाइलर। समझ लेते हैं करके। असेंबलर केवल असेंबली भाषा को कन्वर्ट करने का काम करता है। वो अभी यूज में नहीं है असेंबली भाषा, ना के बराबर यूज में, पहले खूब यूज में था असेंबली भाषा, अब असेंबली भाषा यूज में नहीं है, तो असेंबलर केवल असेंबली भाषा के लिए काम आएगा और किसी काम में नहीं आएगा। हाँ, इंटरप्रेटर और कंपाइलर आज भी यूज होते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एक अनुवादक होते क्या है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के काम आते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेट का एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपको डाय गए यहां से चीन मिलती है ना, हमें चीन आपको चीनी भाषा आती है ना ही वहां वाले को दूसरी आपकी भाषा आती है, आप अपनी बात को कैसे कहेंगे, कह पाएंगे नहीं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसको आपकी भाषा भी आती हो और उसकी भाषा भी आती हो, तब तो आप अपनी बात उससे कहेंगे और वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा, सही रिप्लाई मिलेगा, अदरवाइज परेशानी होगी। ये जो होते हैं कि कंप्यूटर की भाषा, हमें कंप्यूटर की भाषा जो होती है 0101010111 भाषा होती है, वो ना हमें समझ में आनी है और हमारी भाषा कंप्यूटर को नहीं समझ में आनी है, इसी के लिए ये प्रयोग किया जाता है असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर को लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है। असेंबलर जो होते हैं वो पूरा का पूरा जो असेंबली भाषा होती है उस पर काम करता है और किसी भाषा पर काम नहीं करता, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन, आपने प्रोग्राम लिखा, आपने पहली लाइन लिखी उसको कन्वर्ट कर देगा, फिर आपने दूसरी लाइन लिखी उसको कन्वर्ट कर देगा, तीसरी लाइन लिखी उसको कन्वर्ट कर देगा। आपने देखा होगा कई बार नेता लोग भाषण देते हैं उत्तर भारत या दक्षिण भारत में जाते हैं, तो एक व्यक्ति साथ में रहता है जो ये बोलते हैं उसको कन्वर्ट करके बोलता है, तुरंत एक लाइन बोले ये रुक गए वो बोला फिर ये बोलेंगे, क्या करता है वो इंटरप्रेटर कहलाता है। वो क्या करता है, आपकी भाषा को उनकी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, वो इंटरप्रेटर कहलाते हैं, ठीक है। कंपाइलर, आपने पूरी बात कही, पूरी बात को एक साथ कन्वर्ट करना कंपाइलर का काम है, ठीक है। आपके इस चैप्टर में बस इतना ही है, ये चैप्टर इतने में समाप्त हो जाएगा। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में होगा, मेरे ख्याल से संख्या प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क्स मेरे ख्याल से सिलेबस नहीं, मैं देख के आपको अभी मैसेज कर दूंगा, व्हाट्सएप पर डाल दूंगा क्या क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, जिससे ध्यान रहे कि आपको भी पता चलता रहे, और संख्या प्रणाली हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।